प्यारे विद्यार्थियों, आरसीआई एजुहब बानसूर द्वारा संचालित ऑनलाइन क्लास में आपका हार्दिक स्वागत है। प्यारे विद्यार्थियों, कक्षा 11 लेखा शास्त्र, अपना विषय लेखा शास्त्र, इसको अंग्रेजी में बोलते हैं अकाउंटेंसी। देखिए, सबसे पहले मैं आपको एक बेसिक नॉलेज के रूप में बताना चाहता हूँ, क्योंकि जो कॉमर्स स्ट्रीम जो होती है वो 11th क्लास से चालू होती है। आप 11th क्लास के विद्यार्थी हैं, इस वजह से आपको कॉमर्स के बारे में बताना चाहूँगा कि कॉमर्स में जब आप एडमिशन लेते हैं तो आपको 3 सब्जेक्ट मिलते हैं, लेखा शास्त्र, व्यावसायिक अध्ययन और अर्थशास्त्र। अर्थशास्त्र इकोनॉमिक्स होता है, व्यावसायिक अध्ययन बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन होता है, अर्थात बिजनेस स्टडीज होता है, और नेक्स्ट तीसरा सब्जेक्ट होता है आपके पास लेखा शास्त्र। ये मुख्य सब्जेक्ट होता है, इसके बिना कॉमर्स स्ट्रीम अधूरी रहती है, इसलिए इस सब्जेक्ट को विशेष गहनता से पढ़ा जाता है। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि जैसे ही लेखा शास्त्र की बुक को आप अध्ययन करना चालू करोगे तो सबसे प्रथम पाठ आता है आपके पास लेखा शास्त्र का परिचय। अब बुक का जो ये सब्जेक्ट है ये भी लेखा शास्त्र है, अब उस लेखा शास्त्र के बारे में आपको परिचय होना जरूरी है, उसके बारे में जानकारी होना जरूरी है, तब तो आप उसका अध्ययन कर सकते हैं, अन्यथा अध्ययन नहीं कर सकते। इसलिए लेखा शास्त्र का परिचय जो आपका प्रथम लेसन आता है, इंट्रोडक्शन ऑफ अकाउंटेंसी। अब इंट्रोडक्शन ऑफ अकाउंटेंसी नामक प्रथम चैप्टर में आपके पास टॉपिक आता है लेखा शास्त्र एक परिचय। लेखा शास्त्र एक परिचय अर्थात अकाउंटेंसी एंड इंट्रोडक्शन। लेखा शास्त्र का जब हम परिचय प्राप्त करते हैं, अर्थात लेखा शास्त्र के परिचय के बारे में जब हम जानकारी प्राप्त करते हैं, तो हमें विशेष बिंदुओं का ध्यान रखना पड़ता है कि हमें कौन कौन सी जानकारियां लेनी चाहिए, कौन कौन से जानकारियों के आधार पर हमें परिचय करना चाहिए। तो अब हम उन समस्त जानकारियों को देखेंगे और पढ़ेंगे, एक एक के आधार पर हम लेखा शास्त्र का परिचय करेंगे। सबसे प्रथम हम जब लेखा शास्त्र का परिचय करते हैं तो अपने पास सबसे प्रथम जो परिचय की कड़ी होती है वो है लेखा शास्त्र का इतिहास। लेखा शास्त्र का इतिहास, लेखा शास्त्र का इतिहास इसको अंग्रेजी में बोलते हैं हिस्ट्री ऑफ अकाउंटेंसी। हिस्ट्री ऑफ अकाउंटेंसी का अर्थ है कि लेखा शास्त्र का प्रारंभ कब हुआ, इसका जन्म कब हुआ, किसने इसको जन्म दिया, किस तरीके से ये व्यवसाय के रूप में व्यवसाय में काम लेने योग्य बना, किस प्रकार से इसको काम में लिया जाने लगा, कब से काम में लिया जाने लगा, इसके जनक कौन है, ये समस्त जानकारियाँ आपको लेखा शास्त्र के इतिहास में मिलेंगी। नंबर दूसरी आपके पास कड़ी आती है लेखा शास्त्र का अर्थ। लेखा शास्त्र का अर्थ, लेखा शास्त्र का अर्थ अर्थात मीनिंग ऑफ अकाउंटेंसी। मीनिंग ऑफ अकाउंटेंसी, लेखा शास्त्र किसे कहा जाता है, क्या इसकी परिभाषाएं हैं, ये सब हम लेखा शास्त्र के अर्थ में पढ़ेंगे। नंबर 3, लेखा शास्त्र को मैं लेखांकन एवं पुस्तपालन के मध्य संबंध, लेखा शास्त्र लेखांकन एवं पुस्तपालन के मध्य संबंध अर्थात रिलेशन
विद अकाउंटेंसी अकाउंटिंग एंड बुक कीपिंग। लेखा शास्त्र लेखांकन और पुस्तपालन के मध्य संबंध, अर्थात लेखा शास्त्र में, लेखांकन में और पुस्तपालन में, इन तीनों के मध्य आपस में क्या संबंध है, अर्थात रिलेशन विद अकाउंटेंसी अकाउंटिंग एंड बुक कीपिंग। इसके बाद लेखा शास्त्र के परिचय में हम नेक्स्ट बिंदु पढ़ेंगे, लेखांकन का अर्थ, लेखांकन का अर्थ, विशेषताएं किसकी, लेखांकन की, एवं उद्देश्य, उद्देश्य किसके, उद्देश्य लेखांकन के, अर्थात मीनिंग कोमा करैक्टराइटिक्स एंड ऑब्जेक्टिव ऑफ अकाउंटिंग। लेखांकन का अर्थ, विशेषताएं एवं उद्देश्य। लेखांकन का अर्थ क्या है, लेखांकन की विशेषताएं क्या हैं, लेखांकन के उद्देश्य क्या हैं, अर्थात मीनिंग करैक्टराइटिक्स एंड ऑब्जेक्टिव्स ऑफ अकाउंटिंग। नेक्स्ट बिंदु पढ़ेंगे हम लेखा शास्त्र के परिचय में पुस्तपालन का अर्थ, अर्थात मीनिंग ऑफ बुक कीपिंग। मीनिंग ऑफ बुक कीपिंग, पुस्तपालन का अर्थ, लेखा शास्त्र के नेक्स्ट बिंदु में हम पढ़ेंगे पुस्तपालन का अर्थ। नेक्स्ट पढ़ेंगे लेखांकन की अवधारणाएं एवं परंपराएं। लेखांकन की अवधारणाएं एवं परंपराएं, इसको अंग्रेजी में कहा जाता है कॉन्सेप्ट्स एंड कन्वेंशन ऑफ अकाउंटिंग। देखिए विद्यार्थियों, लेखा शास्त्र का परिचय, जो हमारे लेखा शास्त्र का प्रथम चैप्टर आता है, इसका हम परिचय जब प्राप्त करते हैं तो प्रथम बिंदु आपके पास आता है लेखा शास्त्र एक परिचय। अब लेखा शास्त्र का परिचय प्राप्त करते समय हमें निम्न बिंदुओं के आधार पर परिचय प्राप्त करना होता है। लेखा शास्त्र का परिचय निम्न बिंदुओं के आधार पर ज्ञात किया जाता है। देखिए सबसे पहले आता है अपने पास लेखा शास्त्र का इतिहास। देखिए लेखा शास्त्र का इतिहास, इसको अंग्रेजी में कहते हैं हिस्ट्री ऑफ अकाउंटेंसी।
जब तक हमें लेखा शास्त्र के इतिहास के बारे में जानकारी प्राप्त नहीं होगी, तब तक हम लेखा शास्त्र का पूरा परिचय प्राप्त नहीं कर सकते हैं। इतिहास का मतलब ये होता है कि लेखा शास्त्र का जन्म कब हुआ, लेखा शास्त्र के जन्मदाता कौन हैं, सबसे पहले लेखा शास्त्र को कहाँ उपयोग में लिया गया, ये समस्त जानकारियाँ होना अनिवार्य है, तभी आप लेखा शास्त्र के बारे में परिचय प्राप्त कर सकते हैं। नेक्स्ट बिंदु है आपके पास लेखा शास्त्र का अर्थ। लेखा शास्त्र का अर्थ अर्थात अकाउंटेंसी का अर्थ क्या है, किसे कहते हैं अकाउंटेंसी, लेखा शास्त्र का अर्थ क्या है, अर्थात इसको अंग्रेजी में कहते हैं मीनिंग ऑफ अकाउंटेंसी। नेक्स्ट बिंदु आपका लेखा शास्त्र, लेखांकन एवं पुस्तपालन के मध्य संबंध। जब लेखा शास्त्र का परिचय ज्ञात किया जाता है तो उससे पहले हमें लेखा शास्त्र, लेखांकन एवं पुस्तपालन में क्या संबंध है तीनों के मध्य, उन संबंधों की जानकारी प्राप्त करनी होती है, उसी के बाद आप लेखा शास्त्र का परिचय प्राप्त कर सकते हैं। ये परिचय में ही आते हैं, इनके द्वारा ही परिचय किया जा सकता है। लेखा शास्त्र के परिचय में नेक्स्ट बिंदु है लेखांकन का अर्थ, विशेषताएं एवं उद्देश्य। ये जो आपके पास देखिए लेखा शास्त्र, लेखांकन और पुस्तपालन, ये तीन अलग अलग है। तो लेखा शास्त्र के का अर्थ हमने जांच लिया, अब ये लेखांकन का अर्थ आ रहा है, फिर उसके बाद पुस्तपालन का अर्थ आएगा, इन तीनों का अर्थ आएगा। ये क्या क्या है, लेखा शास्त्र क्या है, लेखांकन क्या है, पुस्तपालन क्या है। तो लेखांकन का अर्थ अर्थात इसको बोलते हैं मीनिंग ऑफ अकाउंटिंग, और विशेषताएं करैक्टराइटिक्स ऑफ अकाउंटिंग, और उद्देश्य अर्थात ऑब्जेक्टिव्स ऑफ अकाउंटिंग। देखिए तीनों शब्दों को अलग अलग रूप से कहा गया है। लेखा शास्त्र को अंग्रेजी में कहा गया है अकाउंटेंसी, लेखांकन को अंग्रेजी में कहा गया है अकाउंटिंग, और पुस्तपालन को अंग्रेजी में कहा गया है बुककीपिंग। अब इसी में नेक्स्ट बिंदु आपका आता है क्या, पुस्तपालन का अर्थ। मैंने अभी आपको बताया लेखा शास्त्र, लेखांकन और पुस्तपालन तीनों के बारे में अध्ययन किया जाएगा, तीनों के बारे में जानकारी प्राप्त की जाएगी, तभी आप लेखा शास्त्र का परिचय प्राप्त कर सकते हैं। अब पुस्तपालन का अर्थ, मीनिंग ऑफ बुककीपिंग, पुस्तपालन क्या है। नेक्स्ट आपके पास लेखांकन की अवधारणाएं एवं परंपराएं, अर्थात कॉन्सेप्ट्स एंड कन्वेंशन ऑफ अकाउंटिंग। इन तीनों के आधार पर हम किस लेखा शास्त्र, लेखांकन और पुस्तपालन, हम तीनों के आधार पर लेखा शास्त्र के बारे में संपूर्ण जानकारी प्राप्त कर सकते हैं, अर्थात लेखा शास्त्र का परिचय प्राप्त कर सकते हैं।